तो दोस्तों अगर आप लोग YouTube पर काम करते हैं, YouTube पर दो चार दस वीडियो बनाते हैं, उसके बाद आपके दिमाग से एकदम से आइडिया खत्म हो जाता है कि अब मैं आगे कौन सा वीडियो बनाऊं। आपको समझ में ही नहीं आता है कि आगे अब मुझे क्या बनाना चाहिए ताकि मेरी वीडियो चले, कौन सा टैग लगाना चाहिए, मुझे कैसे अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पिटिट करना है, अपने चैनल को कैसे ग्रो करना है। और अगर आपके वीडियोस पर केवल दो चार व्यूज आते हैं, पांच दस व्यूज आते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता कि आगे मैं क्या करूं ताकि मेरा चैनल ग्रो हो। तो ऐसे में आपको सबसे पहले सीखना होगा YT स्टूडियो सही से कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके मोबाइल में ये YT स्टूडियो एप्लीकेशन नहीं है तो YouTube पर आपका काम करना बेकार है। आप अगर YT स्टूडियो सही से चलाना सीख गए, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, सही से अगर आप इसको चलाना सीख जाते हैं तो उसके क्या क्या फायदे होंगे आपको मैं बता दूं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। आपको डेली ट्रेंडिंग टॉपिक्स पता चल जाएंगे, डेली आपको ट्रेंडिंग कीवर्ड पता चल जाएंगे, आपको वो कीवर्ड भी पता चल जाएंगे जिसको लगाने से आपका चैनल ग्रो होगा। आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कॉम्पिटिटर किस तरीके से ग्रो हो रहा है, आप उसको कैसे पछाड़ सकते हैं, आपको कौन सी वीडियो बनानी है, ये आपको समझ में आ जाएगा। मतलब YT स्टूडियो आपके चैनल का अलादीन का चिराग है। आप इससे जो पूछेंगे अपने चैनल के बारे में वो सब कुछ बताएगा। तो अगर आप लोग परेशान रहते हैं कि मैं कौन सा वीडियो बनाऊं, कौन सा टैग लगाऊं, कैसे मैं अपने चैनल को ग्रो करूं, तो सबसे पहले सारा काम छोड़कर आप लोग पहले इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि YT स्टूडियो सही से कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसमें मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और मैं अच्छी वीडियो बनाने के लिए, ट्रेंडिंग टॉपिक्स खोजने के लिए YT स्टूडियो का ही इस्तेमाल करता हूं। और यहां पर आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं, मेरा चैनल पिछले दिनों काफी अच्छा खासा ग्रो किया है। आप मेरा एनालिटिक्स देख सकते हैं, सब कुछ एकदम ग्रीन ग्रीन है। तो चलिए मैं आपको सिखा देता हूं कि कैसे आप YT स्टूडियो एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, वरना आप लोग YouTube पर धक्के मुक्के खाते रह जाएंगे, दो चार व्यूज ही पाएंगे और दोबारा आपका चैनल कभी ग्रो ही नहीं होगा, आप रोते रह जाएंगे। तो देखिए, ये है आपका YT स्टूडियो। यहाँ पर आपके सबसे पहले सब्सक्राइबर दिखाते हैं, उसके बाद चैनल का एनालिटिक्स दिखाता है, यहाँ पर आपका व्यूज दिखाएगा, सब्सक्राइबर दिखाएगा, वॉच टाइम, अर्निंग, उसके बाद यहाँ पर आपका जो लेटेस्ट वीडियो अभी आपने अपलोड किया हुआ है वो दिखाएगा, और नीचे यहाँ पर आपके चैनल के इंपॉर्टेंट सेटिंग्स दिखाएगा, जैसे डैशबोर्ड, वीडियोस, एनालिटिक्स, कमेंट्स, अर्निंग। अब ये सारी चीजें आपको बहुत ही सरल भाषा में एकदम मक्खन की तरह ऐसा समझाऊंगा मैं आपको कि आपको समझ में भी आ जाएगा और ज्यादा बोरिंग भी महसूस नहीं होगी। और एक बार ये वीडियो आपने देख लिया तो आप मास्टर बन जाएंगे, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, ट्रेंडिंग कीवर्ड यू आप निकाल लेंगे, अच्छे से अच्छी वीडियो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आपको सबसे पहले क्या करना है, स्क्रीन पर ये जो दिख रहा है ना, ये सब भूल जाइए, आपको इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ओके, ये स्क्रीन आप पूरा भूल जाइए, इस स्क्रीन को आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। ओके, इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एनालिटिक्स, ये है इस YT स्टूडियो का सबसे बेहतरीन चीज है, बाकी आपको किसी भी चीज से लेना देना नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस एनालिटिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एनालिटिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहां पर ऊपर आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, रिसर्च का, ओवरव्यू, कॉन्टेंट, ऑडियंस और भी बहुत सारे। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं रिसर्च वाले में। अब रिसर्च वाले में जब आएंगे तो यहां पर देखिए आपका ट्रेंडिंग टॉपिक आपको मिलना स्टार्ट हो गया। ओके, यहां पर देखिए बता रहा है टॉप सर्चेस, मतलब आपके चैनल से रिलेटेड, मतलब आप जिस टाइप की वीडियो बनाते हैं उस कैटेगरी में क्या सर्च हो रहा है। अब देखिए यहां पर आपको कितने सारे टॉपिक मिले, जैसे फेसबुक कॉपीराइट कैसे चेक करें। ओके, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, 10,000 से भी अधिक लोगों ने लगभग देखा है, तो काफी अच्छे खासे व्यूज आए हैं। और यहाँ पर YouTube ने बता दिया कि ये चीज ज्यादा सर्च की जा रही है और इस पर अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे और ज्यादा व्यूज मिलेगा। उसके बाद देखिए हाउ टू गिव सॉन्ग क्रेडिट इन YouTube, इस पर मेरे करीब 50,000 से 60,000 व्यूज आए हैं, इस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बनाया। तो इस तरीके से मैं ट्रेंडिंग टॉपिक लेता हूँ, और भी तरीके हैं, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो आपको और ज्यादा पता चलने वाला है, ये तो अभी समझ लीजिए ट्रेलर है। यहां से मैंने वीडियो ऐसे उठाया, इस पर मेरे करीब 60-70,000 व्यूज गए हैं। उसके बाद यहाँ देखिए हाउ टू ऐड म्यूजिक इन डिस्क्रिप्शन YouTube, इस पर मैंने वीडियो बनाया, करीब 1,00,000 से भी अधिक व्यूज गए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सारा प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं मैं YT स्टूडियो सही से चलाता हूँ, इसलिए मुझे कितने अच्छे अच्छे टॉपिक्स मिलते हैं और मेरी हर वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आते हैं। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको और भी कई सारी चीजें मिलेंगी, जैसे डिस्कवर मोर टॉपिक्स। अब यहाँ पर टॉपिक्स बता रहा है, कुछ कुछ जैसे कीवर्ड बता रहा है, जैसे काइन मास्टर से रिलेटेड ज्यादा चीजें मतलब सर्च की जा रही है, फेसबुक से रिलेटेड, अपलोड से रिलेटेड, थंबनेल, फेसबुक रील, वेबसाइट, मोनेटाइजेशन। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे बहुत सारे आपको वीडियोस भी सजेस्ट कर रही है। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि रिसेंट टाइम में कौन सी वीडियो अपलोड की गई है और उस पर कितने व्यूज आए हैं, किस चैनल ने अपलोड किया, सब कुछ बता रहा है। तो अगर आप लोग ये देख लेते हैं, ओके, आपको क्या करना है, अपने YT स्टूडियो में आ जाना है और यहाँ पर रिसर्च वाले टैब में आइए और देखिए यहाँ पर कौन कौन सी वीडियो आ रही है। आपको क्या करना है, उस वीडियो को कॉपी कर लेना है। ओके, आपको कॉपी करना, कॉपी करने में कोई भी बुराई नहीं है, कोई आपको कॉपीराइट भी नहीं देगा, लेकिन हाँ, आप लोग किसी की वीडियो को डाउनलोड मत कीजिएगा।
आपको किसी की वीडियो डाउनलोड नहीं करनी है, वो जो वीडियो में बता रहे उसको आप देखिए और अपने आप से वीडियो में बताइए, आप खुद से वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और वही वही चीज़ आप बताइए और थोड़ा अच्छे तरीके से बताइए। थंबनेल टाइटल सब कुछ थोड़ा सा चेंज करके आप वीडियो बनाकर उसको अपलोड कर दीजिए, आपको घंटा कॉपीराइट नहीं आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपका वीडियो अच्छा खासा परफॉर्म भी करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सारे वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर आपने देख लिया रिसर्च टैब। अब चलिए यहाँ पर अब मैं आपको और भी आगे और भी एक से एक मस्त अभी आपको फीचर दिखाता हूँ कि आप लोग एकदम मन खुश हो जाएगा कि भाई तुमने ऐसा चीज बता दिया कि मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। ओके, टॉपिक की हमेशा टेंशन रहती है आप लोगों को ना, हमेशा सोचते हैं कि मैं टॉपिक कहाँ से लाऊं, टॉपिक नहीं मिलता है, मेरे व्यूज कहाँ से आएंगे, किस टॉपिक पर बनाऊं, बहुत ज्यादा टेंशन रहता है। शुरुआत में बहुत सारे यूट्यूबर को यही टेंशन रहता है कि भाई अब आगे क्या बनाऊं, अब आगे क्या बनाऊं, इतना टॉपिक दूंगा कि वीडियो बनाते बनाते आप थक जाएंगे लेकिन वीडियो बनाना आपका खत्म नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर ओवरव्यू में आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज मिला है व्यूज का, यहाँ पर ये बता रहा है लास्ट 28 डेज में आपके कितने व्यूज आए हैं, ये सब कुछ बता रहा है। यहाँ पर आपके चैनल का ग्राफ दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके चैनल पर 48 आवर में कितने व्यूज आते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे 5,000 से 6,000 व्यूज हर 48 घंटे के अंदर आते हैं, वो नॉर्मल है, ठीक ठाक है। ओके, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपकी वीडियो कौन सी वीडियो 28 दिन में सबसे अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, वो सारा चीज यहाँ पर दिखाता है। उसके बाद यहाँ से आप लोग देख सकते हैं वॉच टाइम कितना आपको मिला है इस महीने, मुझे करीब 3,000 घंटे का वॉच टाइम इस महीने में मिला है और मुझे 284 घंटे अधिक वॉच टाइम मिला है पिछले महीने से, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए वॉच टाइम वगैरह जो है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, और यहाँ पर जो ग्राफ है वॉच टाइम का वो एकदम ग्रीन है, मतलब कि इसका संकेत ये है कि चैनल पर अच्छे खासे स्पीड से अब धीरे धीरे वॉच टाइम बढ़ रहा है और चैनल मेरा पॉजिटिव तरीके से ग्रो हो रहा है, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर दिखा रहा है कि लास्ट 28 डेज में कितने सब्सक्राइबर मिले हैं, 403। यहाँ पर देखिए 43 सब्सक्राइबर मुझे अधिक मिले हैं पिछले महीने से, और इसका भी ग्राफ आप देख सकते हैं ग्रीन है, मतलब चैनल मेरा धीरे धीरे अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पर आ जाते हैं कंटेंट वाले ऑप्शन में। कंटेंट वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर देखिए वही आपका व्यूज दिखा रहा है और इंप्रेशन दिखा रहा है कि पिछले लास्ट 28 डेज में आपका कितना इंप्रेशन गया है। ओके, तो इंप्रेशन मेरा थोड़ा डाउन हो गया है, काफ़ी सारे मैंने गलतियां कर दी थी इस वजह से डाउन हो गया है, लेकिन बाद में ये सुधर जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर इंप्रेशन आपको बढ़ाने पर फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है ऐसी वीडियो बनाएंगे जिससे इंप्रेशन बढ़े। अब देखिए अगर आपको इंप्रेशन बढ़ाना है तो इसके लिए आपको ट्रेंडिंग टॉपिक प्लस सर्चेबल टॉपिक पर काम करना होगा। ट्रेंडिंग टॉपिक वो होता है जैसे कोई चीज़ अभी ट्रेंडिंग में चली, अचानक से आप उस पर वीडियो बना दीजिए, अचानक से आपका इंप्रेशन बढ़ेगा, आपकी वीडियो वायरल भी हो सकती है। और सर्चेबल टॉपिक वो होता है जिसमें धीरे धीरे व्यूज आते हैं, साल दो साल तीन साल तक लगातार व्यूज आते रहते हैं, तो आपको इन्हीं दो टॉपिक पर काम करना है, तब आपका चैनल का जो इंप्रेशन है वो हमेशा बढ़ता रहेगा। ओके, केवल ट्रेंडिंग पर नहीं काम करना है, सर्चेबल पर भी काम करते रहना है और वो आपको लॉन्ग टर्म तक पैसा देता है। बाकी यहाँ पर टॉप वीडियोज दिखा रहा है और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अब देखिए यहाँ से शुरू होता है हमारा मेन जर्नी, हाउ व्यूअर फाइंड योर वीडियो। यहाँ पर बता रहा है कि जो व्यूअर्स हैं, जो आपकी वीडियो को देख रहे हैं, वो कैसे आपकी वीडियो को फाइंड कर रहे हैं, कैसे वो आपकी वीडियो को पता कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे जो बड़ा परसेंटेज है यूट्यूब सर्च, क्योंकि मैं सर्चेबल कंटेंट बनाता हूँ और सर्चेबल कंटेंट अगर आप बनाते हैं तो जीवन भर आप पैसा कमाते रहेंगे, आपकी तबीयत खराब रहे, आप सो जाएं, आप कहीं घूमने गए हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, तब भी आपके पैसे आते रहेंगे, आपको डेली काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्चेबल कंटेंट का यही फायदा होता है क्योंकि लोग उसको सर्च करके देखते हैं और सर्च करके जब देखते हैं तो वो कंटेंट हमेशा चलता रहता है, साल भर, 6 महीने 2 साल 3 साल हमेशा चलता रहता है। ओके, तो सर्चेबल से मेरा व्यूज आ रहा है तो इसका मतलब मेरा चैनल अच्छी दिशा में है, मेरा चैनल डेड नहीं होगा अगर मैं इसी तरीके से काम करता रहूंगा। ओके, सर्चेबल से आपका चैनल डेड नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ब्राउज फीचर, ब्राउज फीचर मतलब ये होता है कि जैसे आप मोबाइल चला रहे हैं वहां पर आपका वीडियो सजेस्ट हो जाए, तो ब्राउज फीचर से भी व्यूज आ रहा है। उसके बाद सजेस्टेड वीडियो, जब कोई किसी यूट्यूबर की वीडियो देखता है तो वहां नीचे मेरी भी वीडियो आती है। तो ये तीन चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ब्राउज फीचर, सजेस्टेड कंटेंट और यूट्यूब सर्च, तो ये तीनों ही मेरे अच्छे खासे चल रहे हैं। बाकी यहाँ पर अदर फीचर है ये सब हम छोड़ देते हैं, यही तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए अगर आपके YT स्टूडियो में यहाँ पर सबसे ज्यादा सजेस्टेड वीडियो या ब्राउज फीचर आ रहा है, YouTube सर्च से नहीं आ रहा है, तो कोशिश कीजिए कि आपका व्यूज YouTube सर्च से आए। ब्राउज फीचर से आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमेशा केवल ब्राउज फीचर से आएगा तो किसी ना किसी दिन आपको दिक्कत हो सकती है, किसी ना किसी दिन आपकी कमाई या आपका चैनल का इंप्रेशन डाउन हो सकता है। और अगर आपका YouTube सर्च वाला सबसे ऊपर रहेगा तो आपकी कमाई कभी दिक्कत नहीं होगा, आपकी अच्छी खासी अर्निंग होती रहेगी। अब यहाँ पर देखिए अगला जो है YouTube सर्च टर्म, यहाँ पर बता रहा है कि क्या चीजें सर्च करने पर आपकी वीडियो ऊपर आती है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं YouTube सर्च टर्म,
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए हैं। ये सारे कीवर्ड्स देखिए, कितने सारे कीवर्ड आ रहे हैं, मतलब ये सारे कीवर्ड सर्च करने पर मेरा वीडियो सबसे ऊपर रैंक करता है, सर्च में ऊपर आता है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना, अब यहीं से आपको और भी ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक, ट्रेंडिंग कीवर्ड मिलना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो सारे कीवर्ड्स दिखा रहे हैं ना, इनमें से आप अगर इसी कीवर्ड पर वीडियो बनाएंगे दोबारा से, तो आपका वीडियो और ज्यादा तेजी से रैंक करेगा, आपका चैनल और तेजी से ग्रो होगा, क्योंकि ये सारे कीवर्ड सर्च करने पर आपका वीडियो ऊपर आ रहा है। तो अगर आप लोग इसी कीवर्ड पर और वीडियो बनाएंगे तो आपकी वीडियो और ज्यादा ऊपर आएगी, आपका चैनल और ज्यादा सर्च में आएगा, और जब आपका चैनल सर्च में आना स्टार्ट होगा, जब आपका चैनल बार बार सर्च में आएगा, तो आपकी अर्निंग और व्यूज और ज्यादा बढ़ेंगे और आपका चैनल तेजी से ग्रो होने लगेगा। आपने अपने चैनल पर अगर कोई वीडियो बनाई है, वो वीडियो अगर चल रही है, तो यहाँ पर सर्च टर्म देखिए क्या क्या चीजें सर्च की जा रही हैं, और इसी टॉपिक पर घूमकर आपको दोबारा से वीडियो बनाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई एक वीडियो बनाया, 1,000, 500, 50,000, 1,00,000 व्यूज चले गए, उसके बाद उस पर वीडियो नहीं बनाते हैं। ये एक बहुत भारी गलती है, ये गलती अगर आप करते हैं तो एक दिन आपका चैनल डेड हो जाएगा। आपकी अगर कोई भी वीडियो चल रही है, उसी पर आपको घूम फिर कर 3-4 वीडियो और बनाना चाहिए, क्योंकि वो वीडियो आपकी चल रही है, उसी से रिलेटेड 3-4 वीडियो और बनाएंगे, तो आपका वीडियो और ज्यादा पुश होगा, धीरे धीरे आपका वीडियो वायरल होना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कीवर्ड दिखा रहे हैं ना, ये सारे वायरल कीवर्ड है आपके चैनल के, ये मेरे चैनल का दिखा रहा है, आप लोग अपने चैनल का देखेगा वहां पर कुछ अलग होगा। तो ये सारे कीवर्ड पर मैंने और भी काफी सारी वीडियो बनाई, सब पर अच्छा खासा व्यूज गया है, और मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने ये सारे कीवर्ड पर वीडियो बनाया, मतलब अपने वाटी स्टूडियो में देखिएगा, मेरा वाला नहीं देखिएगा, अपने वाटी स्टूडियो में देखिए, अगर आपके वाटी स्टूडियो में जो भी यहाँ पर कीवर्ड आ रहा है और उस पर अगर आपने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आपके 2-3 व्यूज आते हैं तो उस वीडियो पर आपके 1,000, 2,000, 5,000 से भी अधिक व्यूज आएंगे। एक बार इस पर जरूर काम कीजिएगा। तो ये सर्च टर्म हो गया, ये चीजें सर्च करने पर आपका वीडियो, आपका चैनल ऊपर आता है। और यहाँ पर देखिए अगला चीज है कंटेंट सजेस्टिंग यू। अब देखिए यहाँ पर बता रहा है कि आपकी कौन कौन सी वीडियो सजेस्ट की जा रही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंटेंट सजेस्टिंग यू, कौन कौन सी वीडियो आपकी सबसे ज्यादा सजेस्ट की जा रही है। तो जो वीडियो आपकी सबसे ज्यादा सजेस्ट की जा रही है, उसी पर दोबारा से घूम फिर कर वीडियो बनाइए, और ज्यादा आपको व्यूज मिलेगा। यही तरीका होता है चैनल को ग्रो करने का। आपको हर बार ट्रेंडिंग टॉपिक की जरूरत नहीं होती है, आपको उसी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए जो वीडियो आपकी ऑलरेडी चल रही है, घूम फिर कर हफ्ते दो हफ्ते में उस पर एक बार जरूर वीडियो बना देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल साइट्स और एप्स, आपके व्यूज कहाँ से आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर एक्सटर्नल ऐप की बता रहा है, यूट्यूब से तो व्यूज आ ही रहे हैं, उसके अलावा कहाँ कहाँ से व्यूज आ रहे हैं वो सब दिखाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितने तरीके से व्यूज आते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देखोगे तो सोचोगे भाई ये सब कैसे हो रहा है, मेरे यहाँ से कैसे व्यूज आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए मेरे सबसे ज्यादा व्यूज यहाँ पर दिखा रहे हैं गूगल सर्च, व्हाट्सएप बिजनेस, याहू सर्च, गूगल गो, गूगल, व्हाट्सएप, सैमसंग एंड्रॉयड, इंस्टाग्राम, और भी पता नहीं कितने सारे दुनिया भर के फलाना ढिमकाना ऐप दिखा रहा है, यहाँ सबसे भी मेरे वीडियोस के व्यूज आ रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिखा रहा है प्लेलिस्ट फीचरिंग यू, कौन कौन सा प्लेलिस्ट आपकी वीडियो को चला रहा है। तो अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं बनाया है अपने अच्छे अच्छे वीडियो का, तो प्लेलिस्ट जरूर से बना लीजिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट से भी आपके अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं। अब ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज दिखा रहा है की मूवमेंट फॉर ऑडियंस रिटेंशन। अब देखिए ऑडियंस रिटेंशन अगर आपके वीडियो का अच्छा नहीं होता है, आपकी वीडियो पर अच्छा ऑडियंस रिटेंशन नहीं आता है, तो आपकी वीडियो नहीं चलेगी। अब देखिए यहाँ पर मुझे दिखा रहा है मेरी वीडियोस जिसमें ऑडियंस रिटेंशन अच्छा खासा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ वीडियोस आ रही हैं जैसे फेसबुक का अपडेट्स, और यहाँ पर मैंने फेसबुक से रिलेटेड वीडियोस डाला, और यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोस सजेस्ट कर रही हैं। अब यहाँ पर बता रहा है कि कौन सी वीडियो में किस तरीके का ऑडियंस रिटेंशन आ रहा है। तो इंट्रो में देखिए इस तरीके का आ रहा है, टॉप मोमेंट पर क्लिक करता हूं तो टॉप मोमेंट में जो सबसे ज्यादा ऑडियंस रिटेंशन लेकर आ रहा है वो मेरा ये वीडियो है, हाउ टू अनफ्रीज यूट्यूब चैनल, हाउ टू अपलोड मूवी क्लिप, और ये सभी जो वीडियो है इसमें टॉप मोमेंट, काफी ज्यादा टॉप मोमेंट्स हैं जिसकी वजह से इस पर ऑडियंस रिटेंशन काफी ज्यादा आ रहा है। तो आप देखिए कि आपके किस वीडियो पर सबसे ज्यादा टॉप मूवमेंट है, जिसमें टॉप मूवमेंट है उसको एक बार फिर से रिपीट करके देखिए, और उसी तरीके का और भी अच्छे अच्छे वीडियो क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, और हर वीडियो में टॉप मूवमेंट बनाने की कोशिश कीजिए। टॉप मूवमेंट का मतलब ये होता है कि आपने अपने वीडियो में किस तरीके से ऑडियंस को रोक कर रखा है। जैसे ये वीडियो अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं शुरू से लेकर, तो इसका मतलब मैं आपको कुछ अच्छा बता रहा हूँ, कुछ अच्छा सिखा रहा हूँ, जिसके वजह से आप लोग अभी तक यहाँ पर रुके हुए हो। तो आपको अपनी वीडियो में इस तरीके से ऑडियंस को बजा कर रखना है, पकड़ कर रखना है, अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट देना है, तभी आपकी वीडियो में टॉप मोमेंट बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ पर स्पाइक्स देख सकते हैं, तो स्पाइक्स में ये सारी वीडियो है जिसमें अचानक से उठा हुआ है फिर डाउन हो गया। ओके, तो देखिए स्पाइक का मतलब ये हो गया, यहाँ पर आप लोग देखिए एक स्क्रीनशॉट है, अभी हट गया, यहाँ पर मैंने एक फोटो लगाया था वो हट गया। अब आप बताइए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था।
तो अगर आप इसको दोबारा से रिपीट करके देखेंगे, बार बार रिपीट करके देखेंगे, तो इस टाइम पर जो ऑडियंस रिटेंशन है इस ड्यूरेशन पर वो सबसे हाई हो जाएगा, मतलब स्पाइक बढ़ जाएगा कि मतलब ये जो ड्यूरेशन है यहाँ पर ऑडियंस बार बार रिपीट करके देख रही है। तो ऐसे में आपको अपनी वीडियो में कुछ ऐसा चीज ऐड करना है जिससे ऑडियंस बार बार रिपीट करके देखे, बैक करके देखे, तो वहां पर स्पाइक हो जाता है, मतलब यहाँ पर ऑडियंस ज्यादा फोकस कर रही है। और डिप्स कहाँ पर है, डिप्स का मतलब कहाँ पर आपका ऑडियंस रिटेंशन गिरा है, कहाँ पर घटा है, तो वो सारी वीडियो भी दिखा रही है। तो आप वो सारी वीडियो को एक बार स्टडी कीजिए कि कहाँ पर आपका ऑडियंस रिटेंशन घटा है, उसमें क्या गलती है, वो सभी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक वीडियो पर क्लिक करता हूँ और देखिए जैसे ही मैंने इस वीडियो पर क्लिक किया यहाँ पर ये बता रहा है कहाँ पर डिप है। ये देखिए इतने पर मेरा डिप है, 21 सेकंड के बाद डिप आना शुरू हो गया। ये देखिए यहाँ से डिप आना शुरू हो गया, मतलब यहाँ से ऑडियंस का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। यहाँ पर ये सारा चीज दिखा देगा, इंट्रो, डिप, टॉप मोमेंट सब कुछ दिखा देगा। तो आप अपने हर वीडियो का स्पाइक, डिप सब कुछ यहाँ से चेक कर सकते हैं और आने वाली वीडियो में वो सारी गलतियों को सुधार कर सकते हैं जिससे आपका ऑडियंस रिटेंशन और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने ये समझ लिया, अब आपको मैं बताता हूँ, ये देखिए ऑडियंस का टैब यहाँ पर आ जाना है। अब देखिए भाई साहब यहाँ पर कितना शानदार सा आपको फीचर मिला है, यहाँ पर देखिए ऑडियंस रिटेंशन में जब आप आएंगे तो एक ऑप्शन है रिटर्निंग व्यूअर। अब अगर आपके चैनल पर रिटर्निंग व्यूअर नहीं आ रहे तो इसका मतलब आप या तो ऐसा वीडियो बना रहे हैं जो सर्चेबल है या तो आप बेकार वीडियो बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको देखना है आपके रिटर्निंग व्यूअर कितने आ रहे हैं। जैसे मेरे देखिए लास्ट 28 डेज में रिटर्निंग व्यूअर का जो ग्राफ है वो यहाँ पर देख सकते हैं एकदम से डाउन है, मतलब नॉर्मल है, और जो न्यू व्यूअर का ग्राफ है वो ऊपर चल रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे जो न्यू व्यूअर है वो लास्ट 28 डेज के अंदर 60,000 आए हैं, और उसमें से कितने सारे लोग दोबारा से मेरे चैनल पर आए हैं तो केवल 3,010 लोग। तो यहाँ पर जो रिटर्निंग व्यूअर और न्यू व्यूअर का ग्राफ है उसको आपको मेंटेन करके रखना है, दोनों लगभग करीब में ही होने चाहिए। क्योंकि अगर आपके चैनल पर एक बार न्यू व्यूअर आते हैं और वो दोबारा रिटर्न करके नहीं आते तो उसमें थोड़ा सा चिंता का विषय है, आपको देखना पड़ेगा कि आप वीडियो में क्या कमी कर रहे हैं कि दोबारा से ऑडियंस घूमकर आपके वीडियो पर नहीं आ रहे हैं। आपको अच्छी वीडियो बनानी है, ट्रेंडिंग टॉपिक और ये सब अच्छी अच्छी वीडियो बनानी है ताकि ऑडियंस दोबारा से आपके वीडियो पर घूम कर आए और वो आपके वीडियो को दोबारा देखे। क्योंकि रिटर्निंग व्यूअर जब आपके चैनल पर आएंगे तो आपके चैनल को डेड होने से बचाएंगे और आपके अदर वीडियो को भी चलाएंगे। ओके, न्यू व्यूअर एक बार वीडियो देखकर चले जाते हैं फिर दोबारा नहीं आते हैं, जिससे एक ही बार आपको व्यूज मिलता है और एक ही बार अर्निंग होती है। लेकिन रिटर्निंग व्यूअर जब बार बार रिटर्न करके आते हैं तो उससे आपको बार बार फायदा होता है, बार बार अर्निंग मिलती है, वॉच टाइम बढ़ता है और आपके चैनल की वैल्यू भी बढ़ती है। तो रिटर्निंग व्यूअर का ग्राफ आपको मेंटेन करके रखना है। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है व्हेन योर व्यूअर वॉच यूट्यूब, यहाँ पर आपके वर्ट स्टूडियो में दिखाएगा कि आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो किस टाइम पर एक्टिव रहते हैं। तो आपको क्या करना है, कोई एक टाइम फिक्स कर लेना है, एक सही टाइम फिक्स कर लेना है और उसी टाइम पर डेली वीडियो अपलोड करना है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा किस टाइम पर आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है, वही टाइम आपको फिक्स करके उसी टाइम पर वीडियो अपलोड करना है। अब देखिए ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि सही टाइम पर वीडियो अपलोड करने का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन सही टाइम पर वीडियो अपलोड करना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि जब आप एक टाइम फिक्स कर लेते हैं उसी टाइम पर बार बार वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके ऑडियंस को पता रहता है कि हाँ इतने बजे इसकी वीडियो आएगी और वो आपकी वीडियो का वेट करता है, आपकी वीडियो के लिए तैयार रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप कभी सुबह के 10 बजे वीडियो अपलोड कर देते हैं, कभी रात के 10 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, कभी 12 बजे अपलोड कर देते हैं, सुबह दोपहर शाम कोई भी टाइम फिक्स नहीं है, तो भाई देखिए आपकी ऑडियंस को पता ही नहीं चलेगा कि आप कब वीडियो डालते हैं, तो वो आपकी वीडियोस का इंतजार नहीं करेगी। तो आपको एक सही टाइम सेलेक्ट करके रखना है ताकि आपकी ऑडियंस उस टाइम पर एक्टिव रहे, जब आप उस टाइम पर वीडियो को अपलोड करेंगे तो उस टाइम पर अच्छे खासे व्यूज आएंगे और आपकी वीडियो वायरल होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अगर आप लोग न्यूज चैनल बनाए हुए हैं या फिर ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करते हैं तो आपको हमेशा जब भी आपका वीडियो बन जाए तभी आपको डाल देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग सर्चेबल बना रहे हैं, कुछ ऐसा बना रहे हैं जो आपका ट्रेंडिंग से रिलेटेड नहीं है, तो आपको एक टाइम सेलेक्ट करके रखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि देखिए जब आप टीवी सीरियल देखते होंगे तो उसका टाइम फिक्स रहता है, आप उस टाइम पर सारा काम निपटा कर आप उस सीरियल को देखने बैठ जाते हैं। ओके, क्योंकि आपको पता होता है। लेकिन वही सीरियल अगर अलग अलग टाइम पर आने लगे तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, कोई भी उसको जल्दी देखेगा नहीं, तो इससे उसकी धीरे धीरे वैल्यू कम होगी, टीआरपी कम होगी, अर्निंग भी कम हो जाएगी। तो सही टाइम चूज कीजिए ताकि आपकी ऑडियंस आपकी वीडियो का इंतजार करे। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है एज का, अब यहाँ पर आप लोग देखिए आपकी वीडियो किस एज के लोग ज्यादा देख रहे हैं। मेरी जो वीडियो है वो 13 से लेकर यहाँ पर 44 की उम्र तक लोग ज्यादा देख रहे हैं। ओके, क्योंकि मेरा YouTube से रिलेटेड है और हर कोई YouTube से पैसा कमाना चाहता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है। मेरी सबसे ज्यादा जो टारगेटेड ऑडियंस है 18 से 24 की उम्र की,
क्योंकि ये लोग ज़्यादा यूट्यूबर बनना चाहते हैं, अभी ये यंग एज में है और ये अपने यंग एज में कुछ करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं। तो आपको भी क्या करना, अपनी ऑडियंस देख लेना है कि वो किस उम्र की है, मेल है या फीमेल है, वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसी हिसाब से आपको कॉन्टेंट बनाना है ताकि आपके और भी ज़्यादा व्यूज़ आए। अगर आप अपनी ऑडियंस को अच्छे से समझ लेंगे तभी तो आपके अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है, आपके व्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जिस टाइप की वीडियो बनाएंगे उसी हिसाब से आपकी वीडियो चलेगी। जो लोग आपकी वीडियो को समझेंगे वही लोग आपकी वीडियो को देखेंगे। तो मेरे जो व्यूज़ है वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब से आ रहे हैं, क्योंकि इन सब देश में लगभग हिंदी समझते हैं और सारे लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं। ओके, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, अब आपके पास कंटेंट की बौछार होने वाली है, आपको एक से एक ट्रेंडिंग टॉपिक मिलने वाली है और आपके हर वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे, दो तीन व्यूज़ की समस्या एकदम खत्म। ओके, यहाँ पर देखिए, कंटेंट योर ऑडियंस वॉच, अब ये आप में भी दिखा रहा होगा। अगर आपके चैनल पर 1500 सब्सक्राइबर हैं, आपकी वीडियो पर 10-5000 व्यूज अगर है, किसी भी वीडियो पर 10-5000 व्यूज हैं, कुछ अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, तो यहाँ पर आप में ये दिखाएगा कंटेंट योर ऑडियंस वॉच कि आपकी ऑडियंस क्या कंटेंट देख रही है। तो आप इस पर क्लिक कीजिए, अब आपको पता चल गया ना कि आपकी ऑडियंस क्या वीडियो देख रही है। तो जब आपको पता चल जाएगा कि आपकी ऑडियंस क्या वीडियो देख रही है, किस टॉपिक में इंटरेस्टेड है, तो आप उसी को कॉपी करके उसी पर वीडियो बनाइए। यहाँ पर देखिए मेरी जो ऑडियंस है वो मनोज दे का वीडियो देख रही है, टेक चैंपियन सपोर्ट, और यहाँ पर और भी कई सारे चैनल है, जुन्नू की टेक, अंशु मौर्य व्लॉग, रोहित राज मोटिवेशन, ये सब मेरी कैटेगरी के हैं। ओके, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि पिछले 7 दिनों में मेरी ऑडियंस ने इनकी कौन कौन सी वीडियो देखी है, तो मैं इन्हीं वीडियोस को कॉपी करके अगर वीडियो बनाऊंगा तो मेरे बाकी सारे वीडियोस से व्यूज अच्छे खासे आएंगे, क्योंकि मेरी ऑडियंस इनकी वीडियो को देख रही है। तो अगर मैं इसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा तो जाहिर सी बात है वो लोग मेरी वीडियो को भी देखना पसंद करेंगे। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसी तरीके से अपने वाटी स्टूडियो में देख लेना है कि आपकी ऑडियंस किन किन की वीडियो देख रही है, किस टाइप की वीडियो देख रही है, और वो सारी वीडियो को कॉपी करके आपको वीडियो बनाना है। शुरुआती दिनों में इसी तरीके से चैनल ग्रो होता है। ओके, आपको अगर चैनल ग्रो करना है शुरुआती दिनों में, आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स चाहिए, तो आपको कॉपी करना पड़ेगा। 100% कॉपी मत कीजिए, लेकिन हफ्ते भर में 2-3 वीडियो ऐसे बनाइए जो कॉपी हो, जो उन यूट्यूबर्स की कॉपी हो जो आपकी कैटेगरी में काम कर रहे हैं और अच्छे खासे पोजीशन पर हैं, उनको कॉपी करके 2-4 वीडियो बनाइए हर हफ्ते, और आपका वीडियो अच्छे खासे स्पीड से ग्रो होगा। बाद में जब आपका चैनल एक लेवल पर पहुंच जाए, अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, तो आप कॉपी करना छोड़ सकते हैं, लेकिन शुरुआती दिनों में ग्रो करना है तो आपको थोड़ा टेढ़ा तरीका अपनाना पड़ेगा, वरना आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए अगला चीज़ दिखा रहा है, चैनल योर ऑडियंस वॉच, यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि आपकी ऑडियंस किन किन यूट्यूबर के चैनल को देखती है। यहाँ पर अभी मेरे में 4 चैनल दिखा रहे हैं, कभी 5 चैनल दिखाते हैं, कभी 6 चैनल दिखाते हैं, तो बार बार चेंज होता रहता है। तो आपको क्या करना है, इन सभी यूट्यूबर के चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और वो जो वीडियो बना रहे हैं, जो अच्छी वीडियो बना रहे हैं, उसको कॉपी करके वीडियो बनाकर अपलोड कर देना है। ये मेरे यूट्यूब स्टूडियो का है, आपके वाटी स्टूडियो में अलग होगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोग अपने वाटी स्टूडियो के हिसाब से देखेगा। तो देखिए भाई साहब, मैंने आपको कितना अच्छा नॉलेज दे दिया है, आप लोगों को अगर ये बात पहले नहीं पता थी तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए, और इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए कितने सारे मच्छर यहाँ पर आसपास घूम रहे हैं, तब भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ओके, क्यों बना रहा हूँ, ताकि आपको वीडियो की कमी ना हो, आप अच्छे से अच्छी वीडियो बना सके और आप भी यूट्यूब पर ग्रो हो सके। तो इसके लिए एक लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब लास्ट यहाँ पर है रेवेन्यू का ऑप्शन, यहाँ पर आपके रेवेन्यू से रिलेटेड सब कुछ दिखाएगा कि कितना आपका CPM है, RPM है, कितना आपका किस महीने में अर्निंग हुआ, ये सब कुछ दिखाएगा। ओके, तो इससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है। मेन चीज जो था वो था ऑडियंस का, कि आपकी ऑडियंस क्या देख रही है, किस चैनल को फॉलो कर रही है, ये आपको देखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटेंट वाले ऑप्शन में आ जाना है, और यहाँ पर देखना है आपकी व्यूज कहाँ से आ रहे हैं, आपका कौन सा वीडियो रैंक कर रहा है, आपकी व्यूज कहाँ से आ रहे हैं, आपका कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है, और ये सभी चीज आपको देखनी है। बस ये 2 टाइप इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेंट का और ऑडियंस का। ये 2 अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको अपने चैनल को ग्रो करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, 2-3 व्यूज की समस्या तो खत्म, अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया है। मैं मिलता हूं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। एक बार और कहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए।